नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे कोई भी फाइल फोल्डर या डाटा फोटो इमेज वीडियो डिलीट अगर हो जाए तो आप उसे दोबारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने कैसे ये वीडियोज आप डिलीट किया और इसके बाद फिर उनको लाया मैंने उसी जगह पे। तो देखिए, सबसे तो पहले मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ दोस्तों। तो जैसे ही मैंने एक फोल्डर बनाया तो फोल्डर का नाम जो मैं देना चाहता हूँ वो दे सकता हूँ। जैसे मैंने दे दिया ABCD। देखिए दोस्तों, ये ABCD नाम का फोल्डर मेरे में दूसरा नहीं बना हुआ है। और एक और बात चीज जो मैं बिना नाम का फोल्डर बना सकता हूँ, ये देखिए, जैसे ही मैंने ये एक और फोल्डर लिया और ये फोल्डर ये गया और इसके बाद मैंने ये नाम डिलीट कर दिया और फिर अल्टा अल्टर बटन के साथ 0160 कोड डालेंगे और छोड़ देंगे तो वो बिना नाम का फोल्डर बन जाता है दोस्तों। ये देखिए, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ इसलिए नहीं बन रहा है। ठीक है दोस्तों, ये डिलीट हो गया। ABCD ये नाम का फोल्डर, जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं इसे डिलीट कर दूँ, ये मैं डिलीट कर रहा हूँ और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसे मैं दोबारा प्राप्त करूँ, तो ये कैसे हो सकता है, ये क्लियर है। ये मैं जाऊँगा रिसाइकिल बिन में, ये रिसाइकिल बिन ऑप्शन में मैंने ABCD नाम का ये फोल्डर बनाया। इसे डबल क्लिक करेंगे तो ये बोलता है रिस्टोर करना चाहते हैं, तो आप रिस्टोर कर दीजिए क्लिक, फिर इसके बाद ओके कर दीजिए, फिर इसके बाद यहाँ से वो चीज़ हट जाएगी वो फोल्डर और आपकी फोल्डर फिर वहीं पहुँच जाएगी जहाँ पर थी। ये देखिए, ABCD नाम की फोल्डर फिर आ गई मेरे इस डेस्कटॉप में। तो दोस्तों, सिर्फ फोल्डर ही नहीं, आप बहुत सारी चीज़ जैसे वीडियोज हो गए, फोटोज हो गई या ऑडियो हो गया, मूवी हो गई, कोई भी डाटा है या कोई डॉक्यूमेंट्स आप स्टोर किए हैं, डिलीट हो गई आपसे धोखे से, आप उसे दोबारा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ये रिसाइकिल बिन के माध्यम से जो भी डिलीट करेंगे तो ये नॉर्मली रिसाइकिल बिन में जाता है। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे इसे हमने डिलीट किया है ना, तो हम इसे शिफ्ट के साथ यदि डिलीट करें तो ये देखिए, आपसे एक सवाल पूछता है, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर। आप इसे शिफ्ट के साथ जब डिलीट करेंगे तो ये आपके रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, तब आप इसे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप इसे दोबारा प्राप्त करना चाहते हैं तो शिफ्ट के बिना यूज के आप इसे डिलीट करेंगे तब ये रिसाइकिल बिन में जाएगा। आप देख लेते हैं रिसाइकिल बिन में है या नहीं, तो ये देखिए रिसाइकिल बिन में नहीं है। ये जितने भी हमने डिलीट किए हैं, अगर मैं इसको शिफ्ट के साथ डिलीट करता तो ये ना आते, लेकिन अब मैं इसे ऐसे ही डिलीट कर रहा हूँ तो ये आर यू परमानेंट, यहाँ से आप डिलीट कर देंगे तो आप नहीं पा सकते हैं। रिसाइकिल बिन यानी कचरे का डब्बा, आप एक बार डालेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन यदि नगर पालिका वाले उठा के ले गए तो आप इसे दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये देखते रहिए हमारे इस वीडियोज को और लाइक कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, यदि आपको पसंद आए तो।